आज महिला थाना के पीछे की तरफ स्थित भवन में पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत द्वारा साइबर क्राइम थाने का शुभारंभ किया गया। पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने कहा कि लगातार बढ़ते साइबर क्राइम को रोकने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जिले में साइबर क्राइम थाना खोलने की घोषणा की गई थी। इसी कड़ी में आज चरखी दादरी जिला मुख्यालय पर भी साइबर क्राइम थाने का उद्घाटन किया गया। अब यहां 24 घंटे पुलिस बल तैनात रहेगा। साइबर क्राइम थाने में जिले भर के साइबर क्राइम, ऑनलाइन धोखाधड़ी इत्यादि से संबंधित मामले दर्ज कर उनकी जांच की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस की सर्विस को और बेहतर करने के प्रयास लगातार जारी है। पुलिस सदैव आमजन की सेवा के लिए तत्पर है। पुलिस का निरंतर प्रयास है कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाते हुए अपराधियों को हर हाल में सलाखों के पीछे भेजा जा सके। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वो अपनी निजी जानकारी किसी भी अनजान व्यक्ति से साझा ना करे। कुछ दिन पहले ही हरियाणा सरकार ने सभी जिलों में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन सेंक्शन कर दिए थे, जो कि पहले आपको ज्ञात होगा कि खाली रेंज लेवल पर चल रहे थे। तो साइबर क्राइम के बढ़ते ग्राफ को देख के सरकार ने समझा, जैसे महिला थाने हर जिले में स्थापित किए थे, ऐसे भी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन एस्टेब्लिश करने के लिए सेंक्शन दे दी। तो आज हमने विधिवत रूप से इसको सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके और पोस्टिंग करके आज से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, और आने वाले समय में जो भी साइबर क्राइम की कंप्लेंट्स होंगी जिले में, पब्लिक से मैं ये उम्मीद करूँगा कि वो निशन खुश होकर सीधा थाने में आए, अपनी शिकायत दर्ज करें, चाहे वो 100 रुपये की हो, चाहे 1000 रुपये की, या 1 लाख रुपये की, चाहे किसी भी अमाउंट की हो, मतलब यहाँ पर अपनी शिकायत दें, उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। चाहे अकाउंट ब्लॉक करवाना है, चाहे आगे अपराधी को पकड़ना है, या अमाउंट को रिकवरी करना है, जो भी उसमें संबंधित होगा, फेसबुक संबंधित है या ट्विटर संबंधित है या किसी भी सोशल मीडिया से संबंधित कंप्लेंट है, या कोई साइबर फ्रॉड किसी के साथ हुआ है, या IT एक्ट में कुछ उसमें है, तो सारी कंप्लेंट्स क्या है। यहाँ पे हमने 2 इंस्पेक्टर्स को लगाया है, 1 इंस्पेक्टर SHO है, 1 इंस्पेक्टर और हमने लेडी इंस्पेक्टर लगाई है सुनील का, और इसके अलावा हमने ASI और काफ़ी अच्छा स्टाफ लगाया है, और आने वाले समय में भी इनकी लगातार साइबर इसमें क्राइम में उनकी रेगुलर ट्रेनिंग चलती रहेगी, ताकि वो अपना दिन ब दिन अपने जो कैपेबिलिटीज़ हैं क्रिमिनल्स के से आगे रखें अपनी कैपेबिलिटीज़ और लोगों की हेल्प कर सकें। तो लगता ही था अभी भी, क्योंकि क्रिमिनल्स हैं वो आजकल काफ़ी मतलब आगे हो गए हैं, और जो साइबर क्राइम करता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो दादरी बैठी कर रहा है, वो सारे कोई बिहार बैठा है, कोई झारखंड बैठा है, दूर दराज एरिया में कोई एक फ़ोन कॉल करना है उनको, वो कहीं बैठे कर सकते हैं। तो इसीलिए समस्या आती है पकड़ने में और इसमें रिकवरी करने में। तो अब इस साल का अगर हम डाटा देखें तो इस साल हमारे पास 183 कंप्लेंट प्राप्त हुई है 1 तारीख से, मतलब 1 जनवरी से, और जिसमें से 78 अभी पेंडिंग है और 101 कंप्लेंट डिस्पोज हो चुकी है, जिसमें से 2 FIR दर्ज हुई है। ये जो डिस्पोज हुई है, कई कई बार क्या होता है कि किसी आदमी के पास कॉल आता है कि फेक कॉल आया, फ्रॉड कॉल आया है, तो इमीडिएटली कंप्लेंट दे देता है, तो जल्दी पैसा नहीं जाता है लेकिन वो कंप्लेंट दे देता है, तो कंप्लेंट डिस्पोज कर दी जाती है। या फिर कई बार क्या होता है कि वो पैसा अगर कट गया खाते से, तो हम जैसे प्रोसेस हम अपनी कंप्लेंट देता है तो पूरी कार्रवाई करते हैं, तो पैसे कई बार बैंक से वापस आ जाता है, वो भी डिस्पोज हो जाता है। इसलिए जो FIR दर्ज है उनकी मात्रा कम है, लेकिन अब थाने के लेवल पर और लोगों को दर दर नहीं भटकना पड़ेगा, वो सीधा अपनी कंप्लेंट, एक वन स्टॉप सोल्यूशन हो गया उनके लिए, सीधा आए, जैसे महिला थाने में कोई शिकायत होती है, महिला थाने में आए, अपनी शिकायत की कार्रवाई करवाई, तो ऐसे ही साइबर क्राइम का भी एक वन स्टॉप सोल्यूशन हो गया है, जिसके भी कोई कंप्लेंट होगी वहाँ पे अपने आप कार्रवाई करा सकते हैं। पहले हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क बना रखे थे, जिसमें एक हेड कॉन्स्टेबल और उसके एसोसिएट एक कॉन्स्टेबल ने लगा रखा था, जिनकी ट्रेनिंग साइबर क्राइम मामलों को सुलझाने के लिए उनकी ट्रेनिंग हो रखी थी, और हर थाने में वो था, वो भी विधिवत रूप से भी कार्य करते रहेंगे, क्योंकि अगर कोई थाने में चला गया तो उसको वैसा नहीं है कि वापिस चला जाए या थाने में उस थाने में चला जाए, वहाँ भी कार्रवाई होगी, लेकिन यहाँ एक फोकस्ड तरीके से पूरा टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग वगैरह सब देख रेख में कार्य होगा। लोगों से यही हम समय समय पर अवेयरनेस कैंपेन चलाते रहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू या ट्विटर के थ्रू, या वैसे भी हम कई बार लेक्चर जाके देते हैं कॉलेज में, स्कूल्स में, तो जो भी हम अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं उनका ध्यान
से उनको सुने, छोटी सी गलती, एक बार आदमी पढ़ा लिखा आदमी भी एक छोटी सी गलती करके उसका खाता खाली हो जाता है। तो लोगों को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, अगर कोई फ्रॉड कॉल आया है बिना किसी लालच के, आदमी तो लालच में आ जाता है इसीलिए अपनी डिटेल्स शेयर कर देता है या फिर कुछ और कारण होते हैं। तो लोगों को जितनी भी कैंपेन चलाई जाती है उनको ध्यान से सुने और अपना जो बैंक अकाउंट्स हैं, अपनी डिटेल्स हैं, एटीएम की हैं, बैंक्स की हैं, इंश्योरेंस की हैं, किसी से शेयर ना करें। अगर कोई डाउट आता है तो वो बैंक में अपने ब्रांच में जाके संपर्क करें या जो भी कोई कंसर्न ऑफिस है वहाँ जाके संपर्क करें, तभी आदमी इस फ्रॉड से बच लेगा।